वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में ग्रेनाइट है तो आप उसे कैसे चमका सकते हैं दोबारा, अगर और डल हो गया उसकी लाइटिंग, उसके लिए देख सकते हैं इसको बफ बोलते हैं। तो ये जो बफ होता है अराउंड 50 रुपये के आसपास मिलता है, किसी भी हार्डवेयर जो टूल्स होते हैं उनकी दुकान में मिल जाएगा। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है, बस ये क्लीन करता है ग्रेनाइट को और इसके साथ क्लीनर लगाते हैं, देख सकते हैं ये जो क्लीनर लगाया हुआ है, ये संतोष जो है काम कर रहा है हमारे घर में। ये 10x बोलते हैं इसको, 10x की भी क्वालिटी होती है बहुत सारी। एक तो होती है 1 लीटर 3500 रुपये में आसपास आती है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 10x अराउंड 1400 रुपये के आसपास का है, 1400 रुपये का 1 लीटर दिया है इसे। तो इसे क्या करते हैं, पहले आप क्लीन कर लो ग्रेनाइट को, ग्रेनाइट को पानी से साफ़ करने के बाद सूखने दो से, उसके बाद इसको किसी सूती कपड़े से लेके इसे लगा देते हैं चारों तरफ। देख सकते हैं अभी लाइटिंग नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि लगाने के बाद और क्लीन करने के बाद जो लाइटिंग होती है वो कैसी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी लाइटिंग नहीं है, इस पर पानी से साफ़ करके ये सारा वैक्स जो है, ये सेरा फ्लूइड 10x है, ये 1400 रुपये के आसपास है 1 लीटर का, उसे प्राइस 2200-2300 रुपये के आसपास लिखा होगा। मैंने ये परचेज़ किया था, साथ में बफ लेके आया था और ग्राइंडर भी मैंने रेंट में मंगा लिया था। तो अराउंड समझ सकते हो 1400 रुपये और बफ, 3 बफ मैंने मंगाए थे 150 रुपये के हो और ग्राइंडर 300 रुपये भाड़े पे। तो आपको बस इतना खर्च करना है और एक लेबर का चार्ज देना है मान लो कि 700 रुपये 800 रुपये के आसपास, और एक दिन में आपका ये अराउंड मिनिमम 500 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर देगा बंदा। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वैक्स लगा दिया है और 10x जो क्लीनर था, उसके बाद क्या करना है, बफ लगा के ग्राइंडर से इसको इजी क्लीन करना है। यहाँ पे इसमें चलाने का भी तरीका होता है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से चलाते हो तो इससे साइन करता है डिफरेंट तरीके से, तो सारी लाइटें रिफ्लेक्ट होती है इससे। तो ये देख सकते हैं कि आपको व्यू दिख रहा होगा कि 10x लगाने के बाद और क्लीन करने के बाद इसमें साइनिंग हो रही है। ये देख सकते हैं कि ये साइनिंग करने के बाद का व्यू है, पहले का भी मैंने दिखाया था कि कोई इसमें लाइटिंग नहीं थी इतनी ज़्यादा, और देख सकते हैं कि साइनिंग करने के बाद कितना अच्छा व्यू दिखता है। तो अगर आपका ग्रेनाइट डल हो गया हो या न्यू ग्रेनाइट लगाए हों, काफ़ी इसमें क्लीनिंग नहीं हुई, डायमंड पॉलिशिंग नहीं हुई है, तो आप ऐसे भी मतलब कि जुगाड़ कर सकते हैं। ये कंपेयर टू डायमंड पॉलिशिंग से थोड़ा सस्ता पड़ता है और लाइटिंग वैसे ही आपकी क्लीन दिखेगी। देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन नहीं किया, यहाँ पे क्लीन किया था, यहाँ पे साइनिंग ज़्यादा है, फिटिंग में भी क्लीन नहीं किया है तो वहाँ पे साइनिंग ज़्यादा दिखा है। और बस इस बफ का करना है, बफ ऐसा भी नहीं कि बफ को ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, देख सकते हैं ऐसे ही क्लीन करना है आपको। अगर आपके पास जो ग्राइंडर हो हल्के वेट का है तो आप भी क्लीन कर सकते हैं इसे घर में, लेकिन अगर हैवी वेट का ग्राइंडर है तो आप इसे संभाल नहीं सकता है, क्योंकि ये जो लेबर होते हैं वही एक्सपर्ट होते हैं इसे करने में। यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा होगा कि जहाँ क्लीन कर रहा है जहाँ पे क्लीन नहीं है उसमें डिफरेंसेस पता लग रहे होंगे। तो अगर आपका ग्रेनाइट ऐसे ही मतलब कि 1-2 साल में पुराना या 5 साल में पुराना होता है, डल होता है, कि आपको लगता है कि हाँ इसकी रीपॉलिशिंग करानी है, तो ये आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, अराउंड 2500 से 3000 रुपये का खर्च आएगा और पूरे घर की आपकी ग्रेनाइट जो है वो क्लीन हो जाएगी इससे, और जो लाइटिंग है वो दोबारा आ जाएगी।